दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। दमोह जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। सोमवार की देर शाम सिटी कोतवाली क्षेत्र के चंद कदम की दूरी कीर्ति स्तंभ पर तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने स्कूटी सवार व्यक्ति को मारी टक्कर, जिसमें व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत यह रही कि स्कूटी सवार व्यक्ति ने तेज रफ्तार कार की लाइट को देखते हुए सतर्क हो गए, जिससे यह बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल स्कूटी सवार की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे देखकर भीड़ बढ़ी संख्या में इकट्ठी हो गई और राहगीर जिला प्रशासन और यातायात की व्यवस्थाओं को कोसते हुए नजर आए। वहीं जेपीबी स्कूल के पहले एक पोस्टर खड़ा मिला, जिसमें राहगीरों को हेलमेट पहनने की सलाह दे रखी है। शासन प्रशासन के सड़क सुरक्षा नियम के बारे में पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाई जाती है, जिसके बाद भी दुर्घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाद में राहगीरों की मदद से व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार कराया। स्कूटी सवार ने अपना नाम ऋषिकांत उपाध्याय बताया, जो कि किल्लाई नाका एमपीवी के पास रहते हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति ने टक्कर मारी है उसको वह पहचानते हैं। वह बस स्टैंड पर राय कंपनी में काम करता है। उन्होंने बताया कि सुबह कमर में चोट आने के कारण एक्स्रा करवाया है, अगर अधिक चोटें आई तो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाएंगे।